104.49 किलो अबाउट है जो बरामद किया गया। नमस्कार, आप लोगों के समक्ष हूँ मैं प्रिंस गुप्ता और अभी मैं मौजूद हूँ कटिहार रेलवे जंक्शन के ठीक बाहर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम यहाँ जो पहुँचे हैं कटिहार रेलवे जंक्शन, इसकी एक खास वजह है और यह वजह है जो आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, कल की घटना है, कटिहार रेलवे पुलिस 109 केजी गांजा बरामद करती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कटिहार पुलिस की ये उपलब्धि को हम तारीफ कहें या ये कहें कि आखिर कटिहार पुलिस ने कुछ इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी, जो बाद में कहीं ना कहीं कटिहार पुलिस पर जब कहीं दबाव होगा या जब कटिहार पुलिस से ये बात बनते बनते ना बन सकी, तब कटिहार पुलिस ने आखिरकार पत्रकारों को, मीडिया कर्मी को बताना ज़रूरी समझा कि 109 केजी, जो कि आधिकारिक बयान 104.  कुछ केजी है ये है, और जो कटिहार के लोकल मीडिया ग्रुप पर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो 109 केजी की थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है 109 केजी हो या 104 केजी हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटना 27 तारीख को होती है और 27 तारीख को कटिहार रेल पुलिस कटरा कामाख्या एक्सप्रेस से ये गांजा बरामद करती है और पुलिस 28 तारीख को बताना ज़रूरी समझती है, आपको क्या लगता है कि सब कुछ वैसा ही है, साफ साफ जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या कुछ और भी है जो मैं समझ रहा हूँ? आप को ये बता दूं कि ये जो गांजा बरामद हुई है ये इसी दो बक्सों में कटिहार रेलवे पुलिस ने इन्हीं दो बक्सों के अंदर 109 केजी गांजा जो बरामद किया उसके बाद इसी बॉक्स में रखा गया है। 21:45 बजे कामाख्या कटरा जो एक्सप्रेस आई, जो कामाख्या से कटरा जाती है, उसके बॉगी नंबर जो स्लीपर बॉगी A-सेट के शौचालय में जो है उसमें से लगभग 104.49 किलो अबाउट है जो बरामद किया गया। और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे कटिहार रेलवे जंक्शन के ठीक बाहर, रिजर्वेशन काउंटर के ठीक बाहर आपको शराब की बोतलें मिलेंगी, खाली बोतल। और कहीं ना कहीं ये अंदेशा यह भी है कि कहीं ना कहीं रेलवे में जो कार्यरत कर्मचारी हैं या तो शराब वो सेवन करते हैं या तो उनके मिलीभगत से कोई ना कोई शराब का सेवन करता है और शराब की सेवन करने के बाद बोतलों को ठीक सामने बने हुए यार्ड्स के अंदर जो है डंप कर दिया जाता है। तो बिल्कुल हम उसी जगह पर अब पहुंच चुके हैं और आपको दिखाने वाले हैं कैसे कटिहार रेलवे जंक्शन बना है शराबियों का अड्डा, और ये शराब की बोतलें आपको गवाह के रूप में बताएंगी सारी सच्चाई। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से थोड़ा सा आप हमारे नीचे दिखा सकते हैं यहाँ पर कितनी बोतलें हैं, एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर दर्जनों बोतलें हैं और ये सिर्फ एक जगह पर पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिजर्वेशन काउंटर है कटिहार रेलवे जंक्शन की जो बिल्डिंग है, और ठीक इसी बिल्डिंग के पीछे यहाँ पर जो है ये सारी बोतलों को डंप किया जाता है। अब बात यह है कि मैं कुछ और कहूँ इनसे पहले, मैं आपको एक दो और जगह दिखाऊँगा। ठीक आप देखेंगे, मैं कुछ कदम बस यूं ही चला हूं और आप देख लीजिए कि कितनी बोतलें आपको फिर दूसरी जगह दिखाई पड़ रही हैं। और ये बोतलें गवाह है कि आखिर कटिहार रेलवे जंक्शन कैसे शराबियों का अड्डा बन चुका है। आप देखते भी होंगे कि आए दिन जो है सरकार हर एक सरकारी पदाधिकारी को यह शपथ दिलाती है कि ना मैं शराब पीऊँगा ना ही किसी को पीने दूँगा, लेकिन ये शपथ की क्या सच्चाई है वो हम आपको बयां कर रहे हैं। कुछ शराब की खाली बोतलें भी यहाँ पर अभी कटिहार रेलवे जंक्शन के बाहर ही, मतलब कैंपस के अंदर ही दिखी है, जिसकी विजुअल भी है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे और कोई कार्रवाई इस बारे में? अभी तक तो नहीं, ऐसे तो मेरी बराबर प्लेटफॉर्म की टीम लगी रहती है। जैसे आपके द्वारा ये मैटर को कॉग्निजेंस में मुझे दिया गया है तो इस पर हम लोग है जो जाँच करके अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें जो भी अगर रेलवे अथॉरिटी का है तो उनको भी हम लोग सूचित करेंगे, क्योंकि सर बिहार सरकार काफ़ी सजग है शराबबंदी को लेकर। और यहाँ पर ये खाली बोतल मिला है, किस पॉइंट ऑफ प्लेस से आप ही के द्वारा मालूम हो रहा है, जो आपको दिखाया गया है उस पर हम लोग है जो विधिवत जो भी है जो आज सूचना संग्रह कर और उसमें आगे जो फर्दर हम लोग है जो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।